अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ हैदराबादी डबल का मीठा ये फेमस हैदराबादी डेजर्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये ईद स्पेशल डेजर्ट है, आप लोग इसे जरूर ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हैदराबादी डबल का मीठा बनाने के लिए हमें तीन अलग अलग प्रिपरेशंस करने होंगे और आखिर में उन तीनों को फिर से मिक्स करके पकाना होगा। तो सबसे पहले जो पहला प्रिपरेशन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले प्रिपरेशन में हम ब्रेड को फ्राई करेंगे यानी तलेंगे। मैं एक फुल ब्रेड ले रही हूँ और इसमें टोटली 11 स्लाइसेस हैं। सबसे पहले हम ये जो ब्रेड का क्रस्ट है साइड्स में, इसे कट करके निकालना होगा। सभी ब्रेड के पीसेस के क्रस्ट हम निकाल लेते हैं। इस तरह से इसका क्रस्ट निकालने के बाद हम इसको 4 पीसेस में कट कर लेते हैं। देखिए ऐसे ही करके मैं सभी ब्रेड के पीसेस कट करके रेडी रख लेती हूँ। हमारे सभी ब्रेड के पीसेस कट होके अब रेडी हैं। हम इन्हें अब फ्राई करेंगे यानी तलेंगे। लेकिन तलने से पहले हमें इनको सुखाना होगा, क्योंकि देखिए ये अभी बहुत स्मूथ हैं। आप इन्हें ऐसे ही डायरेक्टली फ्राई करेंगे तो ये बहुत ज्यादा घी एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसीलिए पहले हम इन्हें सुखाएंगे। आप इन्हें थोड़ी देर धूप में रख सकते हैं या फैन के नीचे भी एक 15 से 20 मिनट या आधा घंटा रख दें, ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगे। ब्रेड के सभी पीसेस हमारे अच्छे से सूख गए हैं यानी ड्राई हो गए हैं। नेक्स्ट हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए पैन में हम घी गरम कर लेते हैं। आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रेड के पीसेस को घी में फ्राई करेंगे तो हमारा डबल का मीठा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा। घी हमारा गरम हो चुका है, अब मैं धीरे से इसमें ब्रेड के पीसेस डाल के फ्राई कर लेती हूँ। फ्लेम को मीडियम पे रखिए। ब्रेड के पीसेस को जस्ट एक लाइट ब्राउन या थोड़ा सा ब्राउन कलर ही फ्राई कीजिए, इन्हें जलाइए मत। बैचेस में फ्राई कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ब्राउन कलर आने तक ही इन्हें फ्राई करें, इन्हें ज्यादा डार्क ना करें। ब्रेड के पीसेस का पहला बैच हमारा अब तैयार है। देखिए इनका कलर कितना अच्छा आया है। ऐसे ही करके सभी ब्रेड के पीसेस में बैचेस में फ्राई कर लेती हूँ। पहला प्रिपरेशन हमारा तैयार है। अब दूसरे प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए 1/2 लीटर दूध। दूध को हम अच्छे से गर्म कर लेते हैं। 100 ग्राम खोया यानी खोआ को एक 1/2 कप दूध में डाल के अच्छे से मिक्स करके रख लेते हैं। जब दूध गर्म हो जाएगा हम इसे इसमें डाल देंगे। दूध हमारा गरम हो चुका है, अब मैं एक खोआ जिसे हमने दूध में मिक्स किया था इसे डाल देती हूँ। इसे डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर ले। फ्लेम को मीडियम पे रखिए। नेक्स्ट हम इसमें 1 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देते हैं, इसे भी मिक्स कर लें। थोड़े से कटे हुए नट्स डाल देते हैं यानी बादाम, पिस्ता और काजू। इन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट कर लें। आप जितने चाहे ले सकते हैं, आपको जितना पसंद आप उतना ले सकते हैं। इसे डाल देते हैं। आखिर में हम इसमें 2 चुटकी यानी 2 पिंचेस केसर फूड कलर डाल देते हैं, ये केसरी येलो फूड कलर है, इसे भी मिक्स कर लें। इसे डालने के बाद हाई फ्लेम पे हम 2 मिनट के लिए पका लेते हैं। 2 मिनट के लिए इसे पकाने के बाद अब मैं फ्लेम बंद कर देती हूँ। हमारा सेकेंड प्रिपरेशन भी अब तैयार है। चलिए अब हम तीसरे प्रिपरेशन की तैयारी शुरू कर लेते हैं। जो हमारा तीसरा और आखिरी प्रिपरेशन है वो है शुगर सिरप बनाने का यानी शक्कर की चाशनी। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो शक्कर यानी चीनी। मैं यहाँ पे 1/2 किलो चीनी ले रही हूँ। तो आप चीनी को हमेशा 1 कप या ग्लास से मेजर कर लें। यहाँ पे ये है 2 कप। तो हम इसमें पानी डालेंगे 1 कप और थोड़ा सा यानी 1/4 कप। पानी को हाई फ्लेम पे हम बॉईल होने के लिए रख देते हैं। पानी बॉईल हो रहा है, अब मैं इसमें चीनी डाल देती हूँ। इसे डालने के बाद हाई फ्लेम पे इसे मिक्स करते रहिए। चीनी कंप्लीटली घुलने तक पानी में इसे ऐसे ही मिक्स करते रहिए। चीनी पानी में कम्प्लीटली घुल चुकी है, अब हम इसे ऐसे ही 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। 10 से 15 मिनट तक मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से पका लिया है। हमारा शुगर सिरप अब तैयार है। चलिए अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं।
एक बड़े पैन में हम इन ब्रेड के पीसेस को रख लेते हैं। इस तरह से अरेंज करने के बाद हम इसमें ये जो दूध का मिक्सचर हमने बनाया था वो डाल देते हैं। आखिर में हम इसमें शुगर सिरप डाल देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि हम तीन डिफरेंट प्रिपरेशंस बनाएंगे और आखिर में इन तीनों को मिक्स करके फिर से पकाएंगे। तो चलिए इसे हम मीडियम फ्लेम पे एक 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। जो ब्रेड के पीसेस हैं यानी फ्राइड ब्रेड पीसेस, ये अच्छे से ये जो दूध है और शुगर सिरप को एब्जॉर्ब करने तक हम इसे पकाएंगे। ऐसे ही हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए पका लेते हैं, यानी ये ब्रेड के पीसेस अच्छे से ये दूध और शुगर सिरप को एब्जॉर्ब करने तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मजेदार हैदराबादी डबल का मीठा हमारा तैयार है। ब्रेड के पीसेस ने शुगर सिरप को और जो दूध की रबड़ी हमने बनाई उसे अच्छे से अब्सॉर्ब कर चुके हैं। मैं आपको एक पीस दिखा देती हूँ, देखिए ये पीस कितना स्मूथ हो गया है। हम इसकी अब प्लेटिंग कर लेते हैं। प्लेटिंग करते वक्त ही हम इसके ऊपर थोड़ा सा खोया और नट से गार्निश कर लेंगे। यमी और डेलीशियस हैदराबादी डबल का मीठा अब तैयार है। देखिए देखने में ये कितना टेस्टी लग रहा है। कमेंट्स में जरूर बताएं आपको मेरी आज की डेजर्ट की रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम।